कोरोना पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, मृतकों के परिजनों को मिलेगा 4-4 लाख रुपए का मुआवजा। कोरोना को राष्ट्रीय आपदा भी किया गया घोषित। 12 में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का कहर, संक्रमित लोगों की संख्या पहुंची 90 के पार। भारत में अब तक कुल 2 लोगों की मौत। कोरोना को लेकर राज्य सरकारें सतर्क, दिल्ली राजस्थान समेत कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज बंद, राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम भी रद्द। एमपी के बाद राजस्थान में कांग्रेस की अग्नि परीक्षा, गहलोत से नाराज पायलट, मौके का फायदा उठाकर बीजेपी ने उतारा दूसरा प्रत्याशी। राजस्थान के जोधपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और पिकअप की टक्कर में 11 लोगों की मौत, मरने वालों में 6 महिलाएं भी शामिल। दिल्ली में मौसम का उल्टा मार्च, बारिश के साथ जगह जगह पर पड़े ओले, दिल्ली की सड़कों पर लगा लंबा जाम, बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट। नमस्कार, नौतेश टीवी देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, कांग्रेस के 6 विधायकों का इस्तीफा फिलहाल स्वीकार किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, स्पीकर नर्मदा प्रजापति ने इस्तीफा स्वीकार किया। इमरती देवी, तुलसी सिलावट का इस्तीफा फिलहाल स्वीकार। प्रद्युमन सिंह, महेंद्र सिंह का इस्तीफा भी स्वीकार। इमरती देवी, तुलसी सिलावट का भी इस्तीफा फिलहाल स्वीकार किया गया। प्रद्युमन सिंह, महेंद्र सिंह का भी इस्तीफा फिलहाल स्वीकार। इस वक्त की बड़ी खबर, गोविंद सिंह, प्रभुराम चौधरी का भी इस्तीफा स्वीकार किया गया। 6 विधायक शामिल हैं। लगातार जिस तरह से मध्य प्रदेश में सीआरसी उठापटक का दौर जारी, उसी दौरान जिस तरह से 6 विधायकों का इस्तीफा फिलहाल स्वीकार किया गया, अब कहीं ना कहीं और भी अधिक खतरे की घंटी अब बजती हुई कमलनाथ सरकार के लिए। क्या मध्य प्रदेश में अब बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में लौट कर आएगी? रविंद्र जैन फिलहाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट फोन लाइन पे। रविंद्र जी स्वागत है नवतेज टीवी में। जी स्वागत जी, धन्यवाद। रविंद्र जी, 6 विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, तो क्या ऐसे में अब मान लिया जाए वो दिन अब दूर नहीं जब बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में लौट कर आएगी? देखिए सागर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन 6 लोगों का इस्तीफा आज मंजूर हुआ है, इन्हें विधायक से अयोग्य घोषित किया गया है स्पीकर द्वारा, लेकिन ये सभी अभी कल तक मंत्री थे। कल ही राज्यपाल ने इन्हें कमलनाथ जी की अनुशंसा पर मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया था, और आज कांग्रेस की रणनीति के तहत ही इनके इस्तीफे आज विधानसभा से मंजूर किए गए हैं। बताना चाहूंगा कि सिंधिया समर्थक 22 विधायकों ने इस्तीफे दिए थे, लेकिन इन केवल 6 लोगों के इस्तीफे मंजूर हुए हैं, बाकी 16 लोग अभी भी अपने इस्तीफे मंजूर होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है, कांग्रेस ने ये रणनीति बनाई है कि जिन 22 लोगों का नेतृत्व 6 लोगों ने किया है, जिन्हें सिंधिया कैंप में लेके गए हैं, क्यों ना पहले उनको बाहर किया जाए। शायद इनके बाहर करने से जो 16 विधायक हैं, जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो हो सकता है वापस आ जाएं। इसी के लिए ये चाल कांग्रेस ने चली है आज, और एनपी प्रजापति जो कांग्रेस से ही विधायक चुने गए हैं, इस समय मध्य प्रदेश विधानसभा में स्पीकर हैं, उन्होंने आज शाम अचानक अपने निवास पर पत्रकारों को बुलाया और इन 6 विधायकों के इस्तीफे को स्वीकार करते हुए इन्हें अब विधायक पद से अयोग्य घोषित किया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की रणनीति है। कांग्रेस अभी भी कॉन्फिडेंट है कि वो सरकार को बचा लेगी, लेकिन इनके इस्तीफे मंजूर होने के बाद निश्चित तौर पर यह तय है कि बाकी 16 विधायक भी इस बात के लिए जोर देंगे कि उनके इस्तीफे मंजूर किए जाएं, ताकि अगला जो भी फ्लोर टेस्ट होगा उसमें कांग्रेस बाहर हो और भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिल सके। जी रविंद्र जी, कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट, वरिष्ठ पत्रकारों का भी कहना है, कमलनाथ सरकार भी बार बार ये दावा कर रही है कि कई ऐसे फॉर्मूले हैं जहां पर अभी भी कमलनाथ सरकार बची रह सकती है। देखिए, मैं कमलनाथ सरकार कब तक बचेगी, ये सिर्फ कानूनी पेचीदगियां हैं जो हमारे संविधान में है, कानून में है, जिसके कारण से इनका सहारा लिया जा रहा है। और अभी जो मुझे जानकारी है वो ये भी है कि सबसे पहले स्पीकर अपना निर्णय सुनाएंगे। राज्यपाल के यहाँ भारतीय जनता पार्टी आज पहुंची है और उन्होंने ये मांग की है कि फ्लोर टेस्ट तत्काल कराया जाना चाहिए, जबकि कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा का सत्र जो परसों यानी कि 16 मार्च से शुरू होने वाला है बजट सत्र, उसमें सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होना है, और इसे लेके एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है
संविधान में लिखा हुआ है कि नए साल में जब भी विधानसभा का सत्र आएगा तो पहले अभिभाषण होगा, उसके बाद में फ्लोर तैयार होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आज राजभवन में जो प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है, उनका कहना है कि चूंकि अब सरकार अल्पमत में है, इसलिए राज्यपाल का अभिभाषण ना कराया जाए, सीधा फ्लोर टेस्ट करा जाए। तो ये एक तमाम सारी अभी है, और एक तैयारी ये भी है कि कांग्रेस इन सब मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि उसके 22 विधायकों को बंदी बनाकर रखा गया है। आज कमलनाथ जी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को एक पत्र भी लिखा है, और उन्होंने कहा है कि आप गृह मंत्री हैं, हमारे विधायक जो कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों के चुंगल में इस समय बैंगलोर में हैं, उन्हें तत्काल मुक्त कराया जाना चाहिए। ये घटनाक्रम इतना तेजी से चल रहा है सागर जी कि अब मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में और ज्यादा संकट दोनों दल ही आपस में भिड़ते हुए दिखाई देंगे। जी ठीक है, रविंद्र जी क्या लगता है जिस तरह से मध्य प्रदेश में सियासी हलचल है, क्या इसकी आज महाराष्ट्र और राजस्थान में भी पड़ेगी? क्योंकि राजस्थान में तो साफ तौर पर दिखाई भी देने लगा है। देखिए, आप जानते हैं कि राजस्थान में जो उप मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट, वो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के व्यक्तिगत मित्र हैं। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि जिस प्रकार से हम ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर आए हैं, उसी प्रकार से हम सचिन पायलट को भी लेके आ सकते हैं, और ये इसी प्रयास के तहत उन्होंने एक दूसरा उम्मीदवार खड़ा किया है। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटें हैं और बहुमत के आधार पर अभी तक स्पष्ट है कि कांग्रेस 2 सीटों पर जीतेगी, लेकिन सचिन पायलट को क्या एंड टाइम पर वो तोड़ पाएंगे अभी संशय है। लेकिन इतना तय है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद कांग्रेस नींद से जगी है। ऐसा लग रहा था कि गहरी नींद में कांग्रेस थी और उसने अपने तमाम सारे नेताओं को उतार दिया है। हम लगातार देख रहे हैं कि मुकुल पासरिक हैं, दीपक बावरिया जी हैं, हरीश रावत जी हैं और तमाम सारे नेता, कल वेणुगोपाल भी राजस्थान पहुंचे थे और उन्होंने स्वयं सचिन पायलट से बात की है। सचिन पायलट की घेराबंदी जिस तरह से कांग्रेस ने की है, निश्चित तौर पर कांग्रेस कहीं ना कहीं डरी तो दिखाई दे रही है। लेकिन रविंद्र जी, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा था कई चुनावों के दौरान बीजेपी की सियासी जमीन कमजोर होती जा रही थी कई राज्यों में, तो क्या इस तरह का अगर बड़ा अगर उलटफेर होगा तो सियासी जमीन एक बार फिर से मजबूत होगी बीजेपी की? देखिए, ये बात आप नहीं बोल रहे हैं बल्कि हम नहीं बोल रहे हैं, ये बात संघ का जो एक बड़ा प्रमुख, उनका जो समाचार पत्र ऑर्गेनाइजर, उसने स्वयं लिखा है इस बात को कि केंद्र में दिल्ली में अमित शाह और मोदी जी का जादू चल रहा है, पर राज्यों में ये जो नेतृत्व है वर्तमान बीजेपी का, वो राज्यों में कहीं ना कहीं फेल है। राज्य की राजनीति के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए, और संघ के उस लेख के बाद ही हमने ये देखा है कि वो राजस्थान में सचिन पायलट को घेराबंदी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने लिया है। तो कहीं ना कहीं आरएसएस ने जो कहा है कि हमें राज्यों में अपनी संख्या बढ़ाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी, यानी वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जो स्थानीय स्तर पर बड़े नेता हैं, वो चाहे किसी भी दल में हो, वो चाहे कांग्रेस में हो या किसी अन्य दल में हो, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में लाना चाहिए और राज्यों में बिल्कुल रविंद्र जी बिल्कुल चाहिए। क्या राज्यों में बीजेपी सियासी जमीन अपनी मजबूत कर पाएगी, देखना काफी अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी बातचीत के लिए नवतेज टीवी में। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, कोरोना वायरस से निपटने के उपायों पर चर्चा करेंगे कल पीएम मोदी। सार्क के देशों के बीच प्रस्तावित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रविवार को शुरू होने की संभावना है। ये पीएम मोदी ने कोरोना से निपटने की पहल की शुरुआत करते हुए सार्क देशों के बीच शुक्रवार को यह प्रस्ताव रखा था, जिस पर सार्क देश सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए इसका सभी ने स्वागत किया। सार्क में 8 देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान शामिल है। पाकिस्तान को छोड़कर सभी राष्ट्रों ने इस पहल पर तत्काल प्रतिक्रिया भी दे दी है। हालांकि शुक्रवार की देर रात तक पाकिस्तान ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा लेने पर सहमति जता दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी भी घोषित किया। बड़ी खबर फिलहाल आप देख रहे हैं, कोरोना के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी। पीएम मोदी की अपील, सार्क देश मिलकर एक साथ इस पर समाधान निकालें। सार्क देश कल कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, 8 देश इसमें शामिल हैं, जैसा कि हमने जिक्र किया वो देश। लड़ाई पूरी तरह से तेज, सार्क देशों से साथ आने की अपील की थी पीएम मोदी ने, और उसका असर अब साफ तौर पर दिखाई भी अब देने लगा है। बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, कई ऐसे देश इसमें शामिल। पाकिस्तान ने कहा कि मिलकर कोशिश करने की जरूरत है। पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं साथ अब दिखाई देता हुआ कि हाँ, हम भी तैयार हैं पूरी तरह से, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि भारत की मदद के बिना कुछ भी हो नहीं सकता, दाल गलने नहीं वाली है विश्व में। जिस तरह से कई लोगों ने आरोप भी लगाया कि पाकिस्तान अपने ही नागरिकों को लेने के लिए वुहान शहर नहीं गया,
और पाकिस्तान के नागरिकों ने ही कहा था कि पाकिस्तान जरा तो देख और सीख भारत से कि कैसे भारत देश पूरी तरह से एक्टिव है अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए, बचाने के लिए। पीएम मोदी की पहल का सार्क देशों ने तुरंत स्वागत किया। इस वक्त की बड़ी खबर जो फिलहाल आप देख रहे हैं, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह से तेज है भारत। सार्क देश कल कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। पंकज वानखेड़े जी फिलहाल फोन लाइन पे पूरी जानकारी देंगे। पंकज, जिस तरह से कल सार्क देशों के साथ शायद बातचीत हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्या लगता है समस्या का समाधान हो सकता है? जिस तरह से कोरोना को लेकर पीएम मोदी एकजुट करने की तमाम कोशिश कर रहे हैं सार्क देशों को। अब बिल्कुल लगातार देखिए, ये समस्या सिर्फ भारत के लिए नहीं है, तमाम विश्व के लिए समस्या है और लगातार इस समस्या को सॉल्व करने के लगातार प्रयास किया जा रहा है। भारत इस बात की निश्चिति ले रहा है कि कहीं ना कहीं सार्क देशों को साथ में आना पड़ेगा और इस समस्या को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना वायरस सिर्फ भारत और चाइना जैसे राज्य देश के लिए नहीं है, अपितु पूरे वर्ल्ड में एक तरह से फैलता जा रहा है। तो कहने के सार्क देशों को बैठ के एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी इसके ऊपर और चर्चा करनी पड़ेगी। इसीलिए भारत ने इनिशिएटिव लेते हुए रवीश कुमार ने ट्वीट करके जानकारी दी देश को कि आने वाले रविवार को शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तमाम राज्यों के जो राजदूत और प्रधान है उनके साथ बैठ के चर्चा की जाएगी कैसे इस वायरस को, कोरोना वायरस को कैसे निजात पाया जाए। पंकज, देखा गया कि पाकिस्तान भी झुकता हुआ अब दिखाई दिया। पहले जिस तरह से बार बार टालमटोल उसने की, फिर उसके बाद देर रात पाकिस्तान ने भी कहा, इमरान खान ने भी कह दिया कि हाँ भारत के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है इस पर। अब बिल्कुल देखिए, जरूरी है क्योंकि देखिए सागर, जिस तरह से कोरोना वायरस है कोई एक देश देख के टारगेट नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कोरोना वायरस एक वायरस है जो लगातार हर देश में धीरे धीरे फैलता नजर आ रहा है। शुरुआत चाइना से हुआ, फिर इटली, इजराइल, ईरान और अब भारत में दस्तक दे चुका है, उसके धीरे धीरे हो सकता है आने वाले समय में पाकिस्तान में दस्तक। तो कहीं पाकिस्तान को इस बात का डर है कि अगर कोरोना वायरस पाकिस्तान में पहुंच गया तो बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है, क्योंकि भारत में प्रिकॉशन और जागरूकता ज्यादा है, भारत में एक तरह से लोग अमल करने वाले, पाकिस्तान में अमल करवाना बड़ा मुश्किल होगा। तो इस बात को पाकिस्तान समझता है कि अगर कोरोना वायरस की दस्तक अगर पाकिस्तान में होती है तो उसको निपटाना उसके लिए बड़ा खासा मुश्किल हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान प्रयास कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी उस बैठक में मौजूद रहे और वो भी इस चीज को निपटाने के लिए प्रयास करे कि कैसे कोरोना वायरस को दूर किया जाए पाकिस्तान अपितु पूरे विश्व से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी पूरी जानकारी के लिए। सार्क देशों से कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी बातचीत करेंगे, समस्या का समाधान निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि पीएम मोदी की यही अपील कि सार्क देश एकजुट हो जाएं। एक ऐसी बड़ी खबर शायद इसको सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस को रोकने के लिए धारा 144 लगा दी गई। जम्मू कश्मीर की 4 जिलों में धारा 144 लागू, कोरोना को रोकने के लिए धारा 144 लगाया गया। बड़गाम, शोपिया, किश्तवाड़ और रामबन में धारा 144 लागू। कोरोना पर रोकथाम के लिए देखिए कैसे कैसे कदम उठाए जा रहे हैं। धारा 144 आपने सुना होगा कब लगाया जाता है, जब दंगे जैसे हालात होते हैं, जब कर्फ्यू लगाए जाते हैं शहरों में। लेकिन कोरोना वायरस से निपटने के लिए धारा 144 जम्मू कश्मीर में, 4 जिले इसमें शामिल हैं जम्मू कश्मीर के, बड़गाम, शोपिया, किश्तवाड़ और रामबन में धारा 144 लागू। और ये इसलिए ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके, क्योंकि जहां पर अधिक लोग खड़े रहेंगे, अगर किसी भी व्यक्ति को कोरोना वायरस है, वो उसकी चपेट में, उसकी जद में है, तो सामने वाले व्यक्ति में भी उस वायरस के लक्षण देखे जा सकते हैं। इसीलिए विशेष पहल है, जम्मू कश्मीर में धारा 144 लगाई गई। कहीं पर भी 4 लोगों से अधिक लोग अब नजर नहीं आ सकते इन 4 जिलों में जम्मू कश्मीर के। कश्मीर के 4 जिलों में धारा 144 लागू, बड़गाम, शोपिया, देखा आपने जिस तरह से। दीपक खजूरिया फिलहाल फोन लाइन पे पूरी जानकारी देंगे। दीपक, जिस तरह से देखिए जम्मू कश्मीर के 4 जिलों में धारा 144 लगा दी गई ताकि कोरोना वायरस का जो कहर है कहीं ना कहीं उससे बचा जा सके, बताइए दीपक पूरी जानकारी। देखिए सागर, बिल्कुल ये सही खबर है। कल एक जिले में, जिला किश्तवाड़ में धारा 144 लगाई गई थी और आज 3 और पहाड़ी जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। इसका कारण यही है कि जो दूर दराज के इलाके थे, हम लगातार पिछले कुछ दिनों से यही बात कर रहे थे कि सरकार जो बड़े शहर हैं जम्मू और श्रीनगर या फिर जो बड़े कस्बे हैं कठुआ, सांबा, रियासी, डोडा, वहां तक तो लोगों तक पहुंच रहे हैं, मगर दूर दराज के कई ऐसे जिले हैं कि ऐसे इलाके हैं जहां तक लोगों तक अवेयरनेस के प्रोग्राम नहीं पहुंच रहे पूरी तरह से, जो लोगों की
एहतियात बरतने की जो लोगों को सलाह दी जा रही है वो नहीं पहुंच रही, इसलिए वहां पर धारा 144 लगाना एक तरह से इसलिए भी जरूरी है कि धारा 144 के तहत चार से अधिक लोग कहीं पर भी भीड़ के रूप में इकट्ठा नहीं हो सकते। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि जो छोटा मोटा कार्यक्रम भी रहे उस तरह के कार्यक्रम भी को भी कम से कम जो है दूर किया जाए, इसलिए जम्मू कश्मीर में धारा 144 लगाने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर 2G इंटरनेट केवल चल रहा है और लोगों तक इंटरनेट भी नहीं पहुंच रहा, जिस कारण लोगों को अभी तक पूरी अवेयरनेस नहीं आ रही कोरोना वायरस को लेकर, इसलिए इसको एहतियात को बरतते हुए धारा 144 लगाई गई है। लेकिन क्या दीपक धारा 144 लगाने को सराहना मिलेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है पूरे भारत देश में जहां पर कोरोना वायरस के चलते धारा 144 लगाई गई? देखिए मैं आपको सागर यही बता रहा हूं कि जो सरकार बता रही है वो यही बता रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अकेला ऐसा यूनियन टेरिटरी भी है या केंद्रीय शासित प्रदेश कह लें पूरे भारत में जहां पर की इंटरनेट मोबाइल सर्विसेज पिछले 6 महीने से बाधित हैं। तो लोगों तक सोशल मीडिया के जरिए या टीवी के जरिए वो खबरें नहीं पहुंच रही, वो एहतियात प्रिकॉशन लेने की बातें नहीं पहुंच रही, इसी कारण वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन और पुलिस के जरिए ये बात पहुंचाने को लेकर, ताकि लोग अपने घरों तक रहें, महदूद रहें और बाजारों में शॉपिंग के लिए या इस तरह के कार्यक्रम ना करें, केवल उन 4 दूर दराज के जिलों में धारा 144 लगाई गई है। जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर 20 जिले हैं पूरे केंद्र शासित प्रदेश में, केवल 4 जिलों में धारा 144 लगाई गई है। ये चारों दूर दराज के इलाके हैं जहां पर की लोगों को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त नहीं है और वहां पर लोगों को ये बताना कि कोरोना वायरस से क्या दिक्कत आ सकती है या वो किस तरह बच सके, इसीलिए दीपक लोग अब कितने महफूज होंगे धारा 144 इन 4 जिलों में लगाने के बाद, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश की सियासी उठापटक के बीच। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने गुजरात में एहतियात कदम भी उठाने शुरू कर दिए। शनिवार को गुजरात के कई कांग्रेस विधायक जयपुर के लिए रवाना कर दिए गए। इन विधायकों को भेजा गया अब जयपुर अपनी दोनों सीटें पुख्ता करने के लिए। कांग्रेस ने शनिवार को अपने कुछ विधायकों को जयपुर अब शिफ्ट कर दिया। कांग्रेस ने जिन विधायकों को जयपुर रवाना किया उसमें हर्षद रिबदिया, बलदेव जी ठाकुर, जिनीबेन ठाकुर, हिम्मत सिंह पटेल, नाथा भाई पटेल, राजेश गोहिल चिराग कांकरिया, लाखा भाई भरवाड़, पूनम परमार, अजीत सिंह और ऋत्विक मकवाना भी शामिल हैं। इंद्रजीत सिंह ठाकुर भी, चंदन जी ठाकुर और प्रद्युमन सिंह जडेजा भी शामिल हैं। गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटें खाली हो रही हैं। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए अपने 3 उम्मीदवार भी उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 2 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। 4 सीटों के लिए 26 मार्च को अब वोटिंग होगी। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह और रामपाल सिंह ने शनिवार की शाम को राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल लालजी टंडन को एक पत्र भी लिखा जिसमें उनसे 16 मार्च से पहले विधानसभा सत्र आयोजित करने और फ्लो टेस्ट आयोजित करने का अनुरोध भी किया गया। उन्होंने फ्लो टेस्ट की वीडियोग्राफी के लिए भी राज्यपाल से अनुरोध किया है। राजभवन से बाहर आने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने राज्यपाल को बताया कि कमलनाथ सरकार अब बहुमत खो चुकी है, उनके पास सरकार चलाने का संवैधानिक अधिकार ही नहीं है, इसीलिए 16 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण और बजट सत्र का कोई मतलब ही नहीं है। हमने राज्यपाल से अनुच्छेद 175 के तहत सरकार को विश्वास समय प्राप्त करने का निर्देश देने की भी मांग की है। पूरी तरह से एक्टिव मोड में शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के सीएम थे लगातार 15 सालों तक। एक बार फिर से वही कवायद शुरू, वही कोशिश एक बार फिर से शुरू, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसे दिग्गज नेता जो कि अब बीजेपी में अब शामिल हो चुके हैं, इसलिए बीजेपी के हौसले अब बुलंद। आज हमारा प्रतिनिधिमंडल श्री गोपाल भार्गव जी, नरोत्तम मिश्रा जी, भूपेंद्र सिंह जी, रामपाल सिंह जी, मैं स्वयं महामहिम राज्यपाल महोदय से भेंट करके उनको ज्ञापन सौंप कर आए हैं। 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया है और उन्होंने अनेकों बार ये स्पष्ट किया है, वीडियो जारी करके कहा है कि उन्होंने अपने विधायक पद से त्याग पत्र दे दिया है।
कमलनाथ जी की सरकार अब अल्पमत में है, बहुमत खो दिया है और ऐसी स्थिति में सरकार चलाने का संवैधानिक, सरकार चलाने का कोई भी संवैधानिक अधिकार वर्तमान मुख्यमंत्री और सरकार के पास नहीं है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को संकट में डालने के बाद अब बीजेपी की नजर अब राजस्थान पर है। पहले से ही कहा जा रहा है कि राजस्थान में भी कई विधायक अशोक गहलोत से खुश नहीं है, यहां तक कि कई बार सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तुलना भी वहां पर की जाती है। राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच किसी भी अनबन का फायदा उठाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार बैठी है। बीजेपी ने राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए अपने दूसरे उम्मीदवार को भी मैदान में उतार दिया। बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गहलोत के साथ साथ पूर्व विधायक ओंकार सिंह लखावत ने भी नामांकन भर दिया। राजस्थान में सचिन पायलट कई बार राज्य सरकार के कामकाज पर सवाल भी उठा चुके हैं। इसके अलावा कई विधायक भी नाराज हैं। उनका कहना है कि गहलोत सरकार में उनकी सुनवाई ही नहीं होती। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 26 मार्च को चुनाव होगा। मौजूदा विधायक संख्या बल के आधार पर कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 1 सीट मिलने की अब संभावना भी है। और राज्यसभा की 55 सीटों पर 26 मार्च को होने वाले मतदान के लिए नामांकन फिलहाल खत्म हो गया। उच्च सदन के चुनाव को लेकर सियासी दल राज्यों के केंद्र तक सियासी गुड़ाभाग में लगातार जुटे हुए हैं। बीजेपी ने सहयोगी पार्टी के रामदास अठावले को छोड़कर पार्टी के वर्चस्व वाली सभी सीटों पर नए चेहरों को अब मौका दिया। वहीं कांग्रेस ने कुमारी शैलजा, मोतीलाल वोरा जैसे वरिष्ठ नेता का टिकट काटकर दीपेंद्र हुड्डा को मैदान में उतार दिया। इस चुनाव में दिग्विजय सिंह, शरद पवार बिहार से, हरिवंश नारायण सिंह मध्य प्रदेश में से, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गजों का चुना जाना लगभग तय है। इस चुनाव में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले सिंधिया पर अब सबकी नजर टिकी है। महाराष्ट्र में शिवसेना ने युवा चेहरे के रूप में प्रियंका चतुर्वेदी को प्रत्याशी भी बनाया। राज्यसभा में खाली होने वाली 55 सीटों में अभी बीजेपी के पास 15, कांग्रेस के पास 13, AIMDMK के पास 4, JDU के पास 3, जबकि बीजेपी के पास 2 सीटें हैं। शेष सीटें अन्य दलों के पास हैं। और उधर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने बीते 7 महीने से हिरासत में उनको लिया गया था, फिलहाल अब वो रिहा हो गए। अपने बेटे उमर अब्दुल्ला से श्रीनगर की उप जेल में उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेता भावुक हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक पीएसए के तहत अपनी हिरासत खत्म होने के बाद बीते शुक्रवार को रिहा हुए। अपने आवास से नजदीक ही हरि निवास पहुंचे, जहां उनके बेटे उमर अब्दुल्ला को पीएसए के तहत 5 फरवरी से नजरबंद करके रखा गया है। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगा लिया। बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 5 अगस्त को तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य से विशेष दर्जा वापस ले लिया था, जिसके बाद फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और एक और मुख्यमंत्री एवं पीडीसी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को हिरासत में लिया गया था। बेटे उमर से मिलते ही पूरी तरह से भावुक हो गए फारूक अब्दुल्ला। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें पूरी तरह से फारूक के लिए जिस तरह से यादगार हो गई, क्योंकि 7 महीने के बाद जब बाहर निकल कर आएंगे तो खुशी तो होगी और बेटे से जब गले मिलेंगे तो आप सोचिए वो पल वो लम्हा कैसा होगा। वैसे ना दोस्तों, भारतीय संस्कृति भी कमाल की है, दुनिया के लिए एक मिसाल है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते हिंदुस्तान की सबसे पुरानी परंपरा का सम्मान अब पूरी दुनिया अब करने लगी है। दुनिया के अलग अलग कोने में लोग अब हाथ मिलाने की जगह एक दूसरे को अब नमस्ते कहने लगे हैं। रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस को पछाड़ेगा भारत का नमस्ते, दुनिया ने मानी हाथ जोड़ने की ताकत। हिंदुस्तान की पुरानी परंपरा का पूरी दुनिया में सम्मान। नमस्ते 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 नमस्ते। भारतीय संस्कृति भी कमाल की है, दुनिया के लिए मिसाल है।
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते हिंदुस्तान की सबसे पुरानी परंपरा का सम्मान पूरी दुनिया अब करने लगी है। दुनिया के अलग अलग कोने में लोग अब हाथ मिलाने की जगह एक दूसरे को नमस्ते करते हुए दिखाई देते हैं। पीएम मोदी ने जन औषधि दिवस पर देशवासियों से अनुरोध किया कि कोरोना को हराने के लिए वक्त में थोड़ा पीछे लौट जाइए, हाथ मत मिलाइए, नमस्ते को अपनाइए। पीएम मोदी की अपील पूरी दुनिया के नेताओं ने सुन ली है और अब हर कोई अपने आगे ग्रीटिंग्स के लिए बढ़े हाथ को नजरअंदाज कर दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए दिखाई देते हैं। आपको कुछ भी लगता है जो भी करें अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें, हम स्वयं डॉक्टर न बन जाए। और हां, पूरी दुनिया आजकल नमस्ते की आदत डाल रही है, अगर किसी कारण से हमने ये आदत छोड़ दी है तो हम भी हाथ मिलाने के बजाय इस आदत को फिर से डालने का भी मैं समझता हूं ये उत्तम समय है। नमस्ते करके ही एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल सब जगह हैंडशेक की जगह नमस्ते ने अब ले ली है। सोशल मीडिया पर नमस्ते का ट्रेंड, सोशल मीडिया पर भी इंडियन ट्रेडिशनल नमस्ते जमकर अब ट्रेंड करने लगा है। शुक्रवार को जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप वाशिंगटन आए, आयरलैंड के पीएम लियो वराडर का नमस्ते कहकर बड़े ही आदर से स्वागत किया तो उनका वीडियो ये सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। आप भी देखिए, नमस्ते की ताकत का लोहा मानते दुनिया के सबसे ताकतवर देश की सबसे ताकतवर शख्सियत। Well, we didn't shake hands today, and we looked at each other, we said, what are we going to do? You know, sort of a weird feeling. And we said at the same time, we did this. You know, I just got back from India, and I didn't shake any hands there, and it was very easy, because they go like this. पिछले दिनों जब ट्रंप भारत आए थे तो भारत ने उनके स्वागत में नमस्ते ट्रंप ही कहा था। नमस्ते सिर्फ ताजा भारत से गए डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं कर रहे, बल्कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए पूरी दुनिया अब नमस्ते कर रही है। फ्रांस में नमस्ते का जलवा, अब आप फ्रांस में नमस्ते का जलवा देखिए। पिछले दिनों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने भी स्पेन के राजा और रानी को नमस्ते किया। उन्होंने अपने पारंपरिक हाथ मिलाने की परंपरा को भारतीय पारंपरिक परंपरा से बदलते हुए नमस्ते को अपनाया। इजराइल ने अपनाई भारतीय परंपरा। कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपने देशवासियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय पारंपरिक सत्कार के तरीकों को अपनाने की सलाह दी। नेतन्याहू की नमस्ते वाली फोटो को 11,000 से ज्यादा लोग रीट्वीट भी कर चुके हैं, जबकि 43,500 लोगों ने लाइक भी किया। अंग्रेजों ने भी कहा नमस्ते। भारत का नमस्ते सिर्फ यही नहीं रुका, बल्कि ये ब्रिटेन में भी लोगों को कोरोना वायरस से बचाने की मुहिम में जुटा है। ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स जब अपने मेहमानों का स्वागत करने पहुंचे तो उन्होंने भी अपने गले मिलने की पारंपरिक परंपरा को दरकिनार किया और अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। भारतीय सेलिब्रिटी ने भी किया नमस्ते। यूनिफेस की वर्ल्ड वाइड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा ने भी कोरोना वायरस के विश्व भर में बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नमस्ते करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये लोगों के सत्कार का पुराना तरीका है, लेकिन ये समय विश्व के बदलाव का है। नमस्ते करें, स्वस्थ रहें। वहीं सलमान खान ने भी अपने फैंस और देशवासियों से सोशल मीडिया पर लोगों से अपनी परंपरा में वापस मुड़ने की गुजारिश की। उधर अनुपम खेर ने कहा है कि अगर वायरस के संक्रमण से बचना है तो नमस्ते अपनाइए, ये हाइजेनिक है, फ्रेंडली है और एनर्जी का केंद्र भी है। माय फ्रेंड्स, इन दिस एटमॉस्फेयर ऑफ कोरोना वायरस वर्ल्ड वाइड आई फील द बेस्ट वे टू ग्रीट ईच अदर इज टू नॉट शेक हैंड्स बट टू गो बैक टू ट्रेडिशनल इंडियन वे ऑफ ग्रीटिंग टू से नमस्ते, जस्ट पुट योर हैंड टुगेदर सो यू डोंट गेट इन्फेक्टेड, यू डोंट हैव दिस फियर ऑफ getting any infection. This is just an idea. So namaste is much better. It also puts your energies together rather than shaking hands or hugging each other for some time. I think it's important that we are careful. And so
नमस्ते। दुनिया भर में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से अब बढ़ने लगा है, जिसे रोकने में भारत की पुरानी परंपरा नमस्ते बहुत काम आ रही है। नो टच पॉलिसी और दूर से नमस्ते की सेफ पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रही है। दुनिया ने संकट की इस विकट घड़ी में भारत की महान परंपरा नमस्ते के महत्व को समझ ही लिया, जिसका फायदा उन्हें आने वाले भविष्य में जरूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टीवी। और इसी के साथ नवदेश टीवी भी आपसे अपील करता है कि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और आप अपनी जिंदगी खुशहाल होकर जिए। आज हम भी आपसे नमस्ते कर लेते हैं अलविदा, फिर मिलेंगे। नमस्कार। एक सपना है नया, बड़ा और बेहतर करने चाहती है जो जनता मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से बस आपके हक और हित की बात हो, देश हित का फर्क बिल्कुल साफ, उम्मीदें थामनी है, भरोसा जगाना है।